Hello students, welcome to lecture number 3 of presentation of data. Data को कैसे present किया जाता है, textual और tabular form हम कर चुके हैं. Topic number 3 is grammatical. Topic 3, grammatical presentation of data. इसकी डेफिनेशन, इसकी थियोरी समझनी बहुत इजी रहेगी जब हम इसके प्रैक्टिकल कर चुके होंगे. तो पहले मैं आपको अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. ध्यान देना, अब जो मैं बोल रहा हूँ उतने ही क्वेश्चंस आपने घर से प्रैक्टिस करने हैं. इस चैप्टर में इसे डायग्राम बनाने के लिए ज़रूर आता है 3 to 4 मार्क्स का. सो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप घर जाके इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें. अभी घर पर, अभी आपके पास स्केल नहीं है, कंपस नहीं है, डी नहीं है, नो प्रॉब्लम. अभी सिर्फ समझेंगे और रफ में बनाएंगे. जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो आपने फेयर में बनाने हैं. सो आज का लेक्चर है ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हम आई गेस 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं टेक्स्टुअल और टेबुलर की. डायग्राम में 7th क्वेश्चन से मूव करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल ओनली. क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द क्वेश्चन. The following table gives the number of unemployed engineers in certain states of India. जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी. स्टेट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स. आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल. अमाउंट इन थाउजेंड्स है 1551, 120, 801, 726, 780, let it be 521 and 358. गुजरात में 120 की जगह आप कर दीजिए 620. यस, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं. और क्वेश्चन में बोला हुआ है नीचे, कन्वर्ट द अबव डेटा इनटू सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम. आप इस डेटा को बार डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट टू इन सिंपल फॉर्म वर्टिकल सॉल्यूशन. सी व्हाट इज ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, व्हेन द डेटा इज प्रेजेंटेड इन अ डायग्राम, डायग्राम में प्रेजेंट करें.
नंबर सबसे छोटा नंबर है 358 और सबसे बड़ा नंबर है 1559। सो इट इज़ बेटर कि हम इसको शो करें किंक में। यू नो व्हाट इज़ किंक? अगर 50-50 का गैप लेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द किंक। थ्री हंड्रेड, फोर हंड्रेड, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, थाउजेंड, इलेवन हंड्रेड, ट्वेल्व हंड्रेड, थर्टीन हंड्रेड, फोर्टीन हंड्रेड, 1500, 1600। Here we have is number of unemployed engineers in thousands, thousands में। Here we have is state। वन फाइव फाइव नाइन राउंडेड ऑफ। जब आप एग्जाम में ये बना रहे हैं तो इसका गैप सेम होना चाहिए, टू सेंटीमीटर, थ्री सेंटीमीटर, टू इंचेस। एग्जाम में, टेस्ट में इनका गैप स्केल करके बनाया जाएगा, जैसे स्केलिंग होती है। जैसे बताया, अभी मैं समझा रहा हूँ तो देर इज़ नो नीड, अभी सिर्फ समझना है। प्रैक्टिस के टाइम पे आप स्केलिंग से करेंगे। 1559 राउंड ऑफ समथिंग हेयर विथ स्केल, rounded off, Gujarat 620, something here, Delhi 801, here, Punjab 726, कर्नाटका 521, आई होप आप साथ साथ ड्रॉ कर रही हैं, एंड वेस्ट बंगाल 358। द विड्थ वुड बी सेम, मैटर करती है हाइट। डायग्राम देख के सीधा पता लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं। To make it more attractive, you may make more attractive depending upon the requirement. आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। दैट्स इट, दिस इज योर सम, सिंपल बार डायग्राम। दिस इज हाउ सिंपल बार डायग्राम इज प्रिपेयर्ड इन कंपनीज। कंपनीज में ये यूज होता है प्रॉफिट शो करने के लिए, कि कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है या कौन से साल में कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और अगर आप ध्यान दें, हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज 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 और डिक्रीज।
आने वाले सालों में, अगर ये ईयर्स होते आने वाले ईयर्स में और कम जाता, बट दिस इज स्टेट, दिस शोज द स्टेट्स नॉट द ईयर. कूल, दैट्स इट. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. 7 क्वेश्चंस हैं ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में. देर आर 7 क्वेश्चंस. अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन. Draw a simple bracket में horizontal bar diagram. Draw a simple bracket में horizontal bar diagram from the following figures. पहले डेटा गिवन होगा तभी हम सॉल्यूशन करेंगे. ईयर 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. नंबर ऑफ मशीन्स इंपोर्टेड, कितनी मशीन्स हमने इंपोर्ट करवाई है हमारी कंपनी ने जापान से. 1200, 1700, 1800, 2100. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है वर्टिकल और वर्टिकल बार डायग्राम, और अब है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ चुके हैं. जो डेटा हमने बिल्डिंग फॉर्म में शो किया था, वर्टिकल फॉर्म में शो किया था, अब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन, Here we have is year, जैसे states था, और जो data है वो x-axis पे show होगा. Number of machines imported. पहले हमने numbers ऐसे रखे थे जो मैंने रब कर दिया, आपने देखा होगा 3, 4, 5, 600, 700. अब वो इधर show करेंगे. 100-100 का gap रखते हैं. मिनिमम है 1200, मैक्सिमम है 2800. 1200, 2800, द गैप ऑफ 200 विल डू किंक. शुरू करते हैं 1000 से. 1000, 1200, 1400, 1600, 18. द गैप, इसका जो गैप है, स्केल है, वो सेम होना चाहिए. 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000. आई नो 3000 रिक्वायर्ड नहीं है, स्टिल आई एम मेकिंग दैट. एंड यू टू साथ साथ आप भी ड्रॉ कर रहे हैं. नंबर ऑफ मशीन्स इंपोर्टेड.18 is 1200.
19 is 1700 here. Twenty is 1900. Twenty-one is 2800. Use of scale is important in exam. अभी आप सिर्फ समझ रहे हैं. इसी टाइप के आपको 5 से 7 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए देने हैं. तो जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे दैट शुड बी विथ स्केल वेरी नीटली. एंड फॉर द लास्ट वी हैव इज 21. काफी कम इंपोर्ट हुआ इस साल. So this is 18, 19, 20, 21, 22. That's it. आप डायग्राम को वर्टिकल भी शो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी शो कर सकते हैं. दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू. जो डेटा को प्रेजेंट करना चाहता है टू मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव, ताकि एनालिसिस करना भी इजी हो और जिनको समझाना हो डेटा उसको सही लगे. और डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन कैसी है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट मोड में. अगर पेपर में कुछ नहीं गिवन, सिर्फ लिखा है सिंपल बार डायग्राम बनाओ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है और लिखा है सिंपल बार डायग्राम बनाओ, तो आप वर्टिकल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल नहीं. You will make vertical bar diagram, not the horizontal bar diagram. Not this one, but that one. नीचे नोट दे दीजिए. Give a footnote. If question is silent, if question is silent, whether vertical simple bar, vertical bar diagram or horizontal bar diagram is to be prepared. If question is silent, whether vertical bar diagram or horizontal bar diagram is to be prepared, then it is preferred to make the vertical bar diagram. Then it is preferred to make vertical bar diagram. Write down Question number three. Depict the following data by a suitable diagram. Depict the following data by a suitable diagram, by a suitable diagram. Year 2017, 18, 19, 20. Balance of trade.
बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इंडिया में जितना एक्सपोर्ट हुआ माइनस इंडिया से जितना इंपोर्ट हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये नेगेटिव में भी आ सकता है, जिस साल इंपोर्ट ज़्यादा होंगे उसमें नेगेटिव होगा, जिस साल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव में होगा। माइनस 17, माइनस 30, प्लस 19, प्लस 20, लेट इट बी, मेक इट प्लस 20 माइनस 19, दैट वुड बी बेटर। सॉल्यूशन कौन सा डायग्राम बनेगा? बार सूटेबल लिखा है तो वर्टिकल बनाएं या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। बट नेगेटिव आ गया तो डायग्राम नीचे की तरफ शो कर देंगे। इसे कहते हैं डेविएशन बार डायग्राम। अगर डेटा नेगेटिव हो तो डायग्राम जो बनेगा दैट वुड बी डेविएशन बार डायग्राम। सॉल्यूशन में लिखेंगे एज डेटा हैज सम नेगेटिव कंपोनेंट, एज डेटा हैज सम नेगेटिव कंपोनेंट कॉमा दस डेविएशन बार डायग्राम विल बी प्रिपेयर्ड। डेविएशन बार डायग्राम बनाएंगे बट बनाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म में, नॉट हॉरिजॉन्टल। हेयर विल पोज द डेटा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में भी शो करेंगे। मिनिमम इज माइनस 20, मैक्सिमम इज प्लस 30, सो 5 का गैप वुड बी गुड। माइनस 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, प्लस 5, प्लस 10, प्लस 15, प्लस 20, प्लस 25, प्लस 30, प्लस 35। अगर नेगेटिव कंपोनेंट हो तो डेविएशन बार डायग्राम बनता है जो मैं बनाने जा रहा हूं। हेयर वी हैव इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स इन मिलियन, दिस इज इन मिलियन, नेगेटिव मिलियन इज ऑल्सो देयर, कि पैसा इंडिया में ज़्यादा आया, इंडिया से पैसा ज़्यादा गया, इम्पोर्ट ग्रेटर। वी हैव ईयर हेयर, सो द फर्स्ट ईयर वी हैव इज 2017 माइनस 17 समथिंग हेयर। साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं आप। फॉर 2018 वी हैव प्लस 30 हियर। जैसे पहले आपको बताया एग्जाम में स्केल से बनाना है। You will be using the scale in exam. 2019 is plus 19, something here. ये जो gap है, this gap, this should be same for all the years.
एंड फॉर 2020 इज -20। इस डायग्राम को रेक्टेंगल डायग्राम भी कहते हैं। स्केयर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, यू नो दैट। दिस इज 2020 एंड दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डेविएशन बार डायग्राम। विल बी डूइंग द डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लेटर ऑन। पहले मैं सारे डायग्राम्स बना दूं। मुझे 7 क्वेश्चंस करवाने हैं, हमने 3 किए हैं अभी। द फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम वर्टिकल, सेकेंड इज सिंपल बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल, एंड थर्ड इज डेविएशन बार डायग्राम व्हेन द डेटा इज नेगेटिव। इसे अंडरलाइन करेंगे, डेविएशन बार डायग्राम। क्वेश्चन में लिखे सूटेबल डायग्राम बनाओ। सूटेबल इस केस में डेविएशन है क्योंकि डेटा नेगेटिव में जा रहा है। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीपल बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल बार डायग्राम। राइट डाउन द क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल gives the results of +2 students of BCM school for 4 years। पिछले 4 साल का +2 स्टूडेंट्स का BCM स्कूल का डेटा गिवन है। ईयर 2017, 18, 19, 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ट्रेबल 3। दिस इज अ ट्रेबल टेबल। एंड डेटा में है 10, 12, 14, 11, 30, 45, 50, 40, 50, 70, 60, 75। और क्वेश्चन है प्रेजेंट द डेटा, टेबुलर को डायग्राम में शो करने, प्रेजेंट द डेटा इन मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में शो करेंगे हम इसे। सॉल्यूशन, वर्टिकल ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं। द मिनिमम वी हैव इज 10 एंड द मैक्सिमम वी हैव इज 75। 10 और 75 का रखना पड़ेगा गैप, तो दैट वुड बी बेटर अगर हम 10-10 का गैप रखें। किंक बनाने की जरूरत नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सी, अगर आप यहाँ पर बैठे होते तो आप मेरे को कह देते सर स्टॉप, हम अभी रिकॉर्ड नोट डाउन कर रहे हैं, तो आई वुड वेट। बट अभी के लिए मुझे नहीं पता किसकी कितनी स्पीड है। यू कैन पॉज द वीडियो,
या यू कैन एंटायरली स्पीड डाउन द वीडियो, 0.75 स्पीड कर दीजिए तो वीडियो वुड बी इन अ लोअर मोड, लेस स्पीड. हियर वी हैव इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईयर 2017, राइट. तीन है, द फर्स्ट इज 10, द अदर इज 30 and the other is 50. अलग शो करने के लिए दिस इज फर्स्ट डिविजन, ये शो करना पड़ेगा. यू नो ज्योग्राफी में आपने मैप्स किए हुए, दिस इज सेकेंड, दैट इज थर्ड. 2018, 12, 10 से थोड़ा ज्यादा, 45, 45. एग्जाम में स्केल यूज करेंगे, बार बार बता रहा हूं आपको. एंड 70 फॉर द थर्ड डिवीजन. Make it more attractive. Speed up everyone. सिर्फ देख और सुन नहीं रहे, हाथ कान भी चला रहे हैं, दिमाग भी साथ साथ चल रहा है आपका. Let it be 19, 14, 12 से थोड़ा ज्यादा, 50, 50. This is just a rough idea. In exam you will make it proper using scales and all. आज की क्लास के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस देने हैं. जो डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे. एक एक डायग्राम आप अपने घर पे भी करके देखेंगे फेयर में, विद प्रॉपर नीट क्लीन. नेक्स्ट 2020, 11, 40, 75. सर आपका डायग्राम बड़ा बन गया, छोटा बन गया. मैंने आपको पहले भी बताया मैं स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ. स्केलिंग आपको भी अभी जरूरत नहीं है करने की, एग्जाम में जरूरत पड़ेगी करने की. एंड दिस इज योर मल्टीपल बार डायग्राम. जैसे मैप में शो करना होता है वैसे ही हम यहां पर भी शो करेंगे. This represents first division, no,
दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिवीजन, दिस रिप्रेजेंट्स सेकेंड डिवीजन एंड द ब्लैंक वन रिप्रेजेंट्स थर्ड डिवीजन. That's it. This is your multiple bar diagram. Cool, clear? That's it. Moving to question number 5. Question number 5. Write down the question. Using data from question number 4, using data from question number 4, semicolon, prepare component bar diagram. Prepare कॉम्पोनेंट बार डायग्राम. आपको कॉम्पोनेंट बार डायग्राम बनाना है. डेटा यही है जो पहले गिवन था, मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा हूं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सॉल्यूशन कंपोनेंट बार डायग्राम के लिए पहले आपको टोटल करना पड़ेगा एवरी ईयर का. यही डेट है, माइंड में रफ में टोटल कर लो, रफ में टोटल कर लो. 90, 57 + 70, 137, 14, 50, 60, 4, 6, 124, 11, 40, 51 + 75, 126. सबसे पहले आप टोटल कर लीजिए ईयर वाइज. सॉल्यूशन यहां पे मैं शो कर देता हूं. सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, में 10 + 30 + 50 is 90, 2018 12 + 45 + 70 is 127, 2019 is 14 + 50 + 60 is 124, and 11 + 40 + 75 is 126. Kelsey, so the total would be, let me check once. Perfect. Right. Now we are going to make the component bar diagram. The minimum we have is 90, the maximum we have is 127. 90, 127, 10-10 ka gap sahi rahega. We'll start from 10 till 126, that means 130. Ten, twenty, thirty,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Here we have is number of students. Years हैं चार, 2017, 2018, 2019, 2020. Here we have is year. Vertical बनाना है, horizontal नहीं. So for 2017, maximum is 90, right here. राइट अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट्स करेंगे. क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉम्पोनेंट बार डायग्राम बनाना है. और क्वेश्चन इज कॉम्पोनेंट बार डायग्राम. सो इसके कॉम्पोनेंट्स कर देते हैं. द फर्स्ट इज 10, देन इज 30, 10 प्लस 30 40, वी आर मेकिंग कॉम्पोनेंट बार डायग्राम. एंड देन 40 प्लस 50 इज 90. यू गॉट इट. रादर तीन बिल्डिंग्स, तीन रेक्टेंगल्स, तीन बार बनाने की वजह से बजाय हम एक ही बार बना रहे हैं. विल मेक वन बार. नाउ फॉर 2018, 12 पहले हम 127 तक ले जाते हैं. 127 कम्स हेयर. Then is 45. 12 plus 45 is 57. 12 plus 45 is 57. Then 57 plus 70 is 127. Make it attractive. I hope you got it. आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 2021 एज वेल. फॉर 2000, ओके दैट इज 17, आई हैव मिस्टेक. दिस इज 17, दिस इज 18. फॉर 19 वी हैव 124. हियर वी हैव इज 124. 127 से थोड़ा सा कम. This is 124. First we have is 14. 10 to 20 ke beech mein we have 14 here. Then 50. 14 plus 50. Kyunki jo 50 hai wo 14 ke baad aa raha hai. 14 plus 50 is 64. Something here. And then 64 plus 60 is 124. 64 plus 60 is 124. This is first division. And this is second division. Cool.
देन वी हैव इज 2020, द लास्ट ईयर. द मिनिमम इज 11, मोर देन 10, टोटल है 126. लेट्स मूव टू 126 फर्स्ट. इफ यू विल यूज द स्केल तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी कि 124 से ज्यादा, 127 से कम. फर्स्ट वी हैव इज 11, अ बिट मोर देन 10. देन वी हैव 40, 11 प्लस 40, 11 प्लस 40 इज 51, मोर देन 50. एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड, कॉम्पोनेंट बार डायग्राम. कॉम्पोनेंट बार डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज टोटल बार डायग्राम, क्योंकि पहले टोटल करते हैं फिर उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बनाते हैं कि कौन सी चीज कितनी है. जैसे ग्राफ में शो करना होता है आपको बताना पड़ेगा दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकंड डिवीजन एंड दिस इज थर्ड डिवीजन. कूल, दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अभी हमारा परसेंटेज और पाई डायग्राम पढ़ा है वो हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे. टेक्स्टुअल टेबुलर प्रेजेंटेशन डन. ड्रामेटिकल में सिंपल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मल्टीपल डेविएशन कंपोनेंट डन. परसेंटेज एंड पाई डायग्राम इज पेंडिंग, विल बी डूइंग इन टुमारोज लेक्चर, लेक्चर नंबर 4. क्लियर? अभी के लिए 2, 3, 4, 5, आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. और ये 5 डायग्राम्स जो आप बनाएंगे प्रॉपर स्केल यूज करके बनाएंगे. योर डायग्राम शुड बी नीट क्लीन विथ प्रॉपर स्केलिंग. राइट डाउन द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. पेज 51, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3. Page 52, example 4. Page 53, example 6. ये 5 questions आप घर से करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, right? और ये वही 5 questions हैं जो मैंने आपको आज करवाए. Cool? बाय बाय, टेक केयर. कल के लेक्चर से पहले ये 5 क्वेश्चंस आप करें. सिर्फ पढ़ना नहीं है, बनाना है. सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आंसर्स गिवन है, बट यू विल डू इट योरसेल्फ विद प्रॉपर पेन स्केल और यू कैन यूज पेंसिल्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव. टुमारो विल कंप्लीट ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.